हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राशि। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। टुडे वी डिस्कस अबाउट क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। 99% गारंटी है कि ये क्वेश्चन जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो बोर्ड एग्जाम में आपके हमेशा रिपीटेड होते हैं, हमेशा आते ही हैं। ठीक है, तो हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए इसका टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एक लिस्ट होगी आपके पास, मतलब एक नंबर की लिस्ट गिवन रहेगी, इन विच ईच टर्म, उसमें जितने भी टर्म्स गिवन रहेंगे इज ऑब्टेंड, कैसे ऑब्टेंड रहेंगे? बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर। कि हम एक कोई भी एक फिक्स्ड नंबर है उसको ऐड करते जाएंगे हर एक टर्म के अंदर, तो हमें एक लिस्ट मिल जाएगी। किसके? नंबर्स की, टर्म्स की लिस्ट मिल जाएगी। प्रीसीडिंग टर्म एक्सपेक्ट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को छोड़ के और बाकी जितने टर्म है उनमें हम कोई एक फिक्स नंबर को अगर हम ऐड करते हुए चलेंगे तो हमें हमारे पास एक लिस्ट बन के आ जाएगी। किसके? नंबर्स की आ जाएगी। जो ईच नंबर ऑफ ए लिस्ट, जो भी हमारे पास लिस्ट में जितने नंबर रहेंगे उनको क्या बोलेंगे? हमें टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टर्म बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया कि हमारे पास कोई भी नंबर होगा 2, 4, 6, 8 हो गया एंड सो ऑन। हमारे पास कोई भी एक लिस्ट गिवन है किसी भी नंबर की। अब ये लिस्ट में 2, 4, 6, 8 फर्स्ट नंबर को हमने फिक्स कर लिया 2। अब 2 के अंदर कोई नंबर ऐड कर दे 2, तो क्या मिल गया हमें? 4 मिल गया। ठीक है, 4 के अंदर अगर हम 2 को ऐड कर रहे हैं तो फिर हमें क्या मिल गया? 6। सेम है, 6 में 2 ऐड कर रहे हैं तो क्या मिल गया हमें? 8। ठीक है, तो कोई एक नंबर फिक्स हो गया, वो एक नंबर फिक्स क्या? हमारे पास 2 नंबर है जो फिक्स कर रहे हैं, उसको ऐड कर रहे हैं, तब हमारे पास एक पूरी एक लिस्ट बन के तैयार हो गई सारे टर्म्स के। टर्म्स क्या हो गए? जैसे 2, 4, 6, 8 है, ये क्या हो गई? टर्म। उन टर्म से क्या बना? हमारा एक नंबर। नंबर से क्या बन गया? हमारे पास एक पूरी की पूरी लिस्ट तैयार हो चुकी है, तो उसे क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अगर हम जनरल फॉर्म की बात करते हैं, एक भी जनरल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसको हम कैसे लिखते हैं? जो ये फिक्स नंबर है इसका ध्यान रखना, इस फिक्स नंबर को क्या नाम दे दिया है? डी। डी मतलब कॉमन डिफरेंस। क्या नाम दे दिया? कॉमन डिफरेंस। डी को क्या नाम दे दिया है? कॉमन डिफरेंस नाम दे दिया है। जो एक नंबर जो आपका फिक्स रहेगा दैट इज कॉल्ड ए कॉमन डिफरेंस, उसे हम क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। कि जो भी आप नंबर हर एक टर्म में ऐड करते हुए चलोगे, हर एक नंबर के अंदर ऐड करते हुए चलेंगे, उसे क्या बोलेंगे हम? डी बोलेंगे। ठीक है, अब जनरल फॉर्म की अगर बात करें तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगी? फिक्स हो गया, जिसको क्या देंगे हम? एक नाम देंगे। ए में हम नेक्स्ट क्या है? फिक्स नंबर को ऐड करेंगे, हमने क्या किया? डी ऐड कर लिया। नेक्स्ट फिर हम क्या ऐड करेंगे? 2D ऐड कर देंगे। जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन किया था वहां पे एंड क्या हो गया? ये सो ऑन। ये क्या हो गया? जर्नल फॉर्म में क्या हो गया? एपी। जैसे हमने लिखा है कि एपी को हमने फर्स्ट टर्म हमारी फिक्स हो गई ए, ए के अंदर हमने कोई भी फिक्स नंबर को ऐड कर दिया डी, जो डी क्या था हमारे पास? कॉमन डिफरेंस। कि इनका जो डिफरेंस रहेगा सबका वो क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। ठीक है, ए ए प्लस डी, ए प्लस 2D एंड सो ऑन, nth टर्म तक जाएगी आपके पास ये टर्म। कहां तक जाएगी? nth टर्म तक जाएगी। ठीक है, अगर हम अब nth टर्म आता है हमारे पास, यहां तक का टॉपिक हो गया क्लियर हमारा। अब आता है nth टर्म के, nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है? nth टर्म ऑफ एन एपी कैसे निकलता है? कि फर्स्ट टर्म हमारे होगी फिक्स, कि फर्स्ट टर्म तो क्या होती है हमारे पास? ए होता है। फर्स्ट टर्म का नाम क्या दे दिया? ए। क्या दे दिया? ए दे दिया। ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या आते हैं हमारे पास? सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या हो गया? ए टू। सेकंड टर्म क्या हो गया? ए टू। ए टू को हमने कैसे निकाला है? देखो जो ये टर्म है ना आपके पास जनरल फॉर्म में, ये क्या हो गया? ये तो हो गया ए वन। ठीक है, ये हो गया ए टू, ये हो गया ए थ्री एंड सो ऑन, ऐसे आपके nth टर्म तक जाते हैं आपकी टेबल। ए वन, ए टू, ए थ्री एंड सो ऑन, ए एन तक जाती है आपकी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो डी है, डी निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, स्किप हो गया आपका टॉपिक। nth टर्म मींस कॉमन डिफरेंस डी, डी निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? डी इज इक्वल टू होता है ए टू माइनस ए वन। ठीक है, ए टू माइनस ए वन, इसी तरह सेम ए थ्री माइनस ए टू, सेम एज ए फोर माइनस ए थ्री एंड सो ऑन, ऐसे टेबल
जाती जाएगी, आपके पास चलती जाएगी, और ए एन माइनस में क्या हो जाएगा, ए एन माइनस में वन, लास्ट टर्म क्या आ जाएगा हमारे पास, ए एन माइनस ए एन माइनस वन, ये क्या होगा एक कॉमन डिफरेंस निकालने क्या हो गया फॉर्मूला, जो हमने अभी पढ़ा था कि सेकंड टर्म हमारे क्या आते हैं कि हम एक फर्स्ट टर्म जो है उसके अंदर हम जो फिक्स नंबर है उनको ऐड करते हुए जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी सेकंड टर्म। सेकंड टर्म अगर आपके पास गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, क्वेश्चन बोले कॉमन डिफरेंस निकालो, तो फिर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे ये कि जैसे कि टेबल है 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये इसमें बोले कॉमन डिफरेंस निकालो, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, d इज इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1 मींस 3 आउट ऑफ 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 2। अब देखो हर एक में जो डिफरेंस है वो क्या होगा कॉमन, मतलब कि सेम रहेगा आपका डिफरेंस, तो जब a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3 निकालेंगे तो सबका जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा हमारा 2 2 रहेगा। क्लियर यहां तक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉमन डिफरेंस का कि कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब करते हैं हम nth टर्म ऑफ एन एपी, कि nth टर्म मतलब कि an कैसे निकालते हैं हम, सेकंड टर्म क्या होती है a2, a2 कैसे निकालते हैं, जनरल फॉर्म में हमें बता चुके हैं कि जनरल फॉर्म हम कैसे राइट डाउन करते हैं a a plus d a plus 2d एंड सो ऑन चलते हैं अभी टेबल, ये इनफाइनाइट nth टर्म तक चलती है। सेकंड टर्म क्या होगी a2 इक्वल्स टू a plus d, थर्ड टर्म क्या रहेगी आपके पास a3 इक्वल्स टू में, थर्ड टर्म क्या रहेगी a3 इक्वल्स टू a2 plus d। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर a2 क्या गिवन है, a plus d गिवन है, इसको हम लिख सकते हैं a plus d, a plus d plus d क्या हो जाएगा a plus 2d हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहां पे देखो nth टर्म क्या है, 3 है यहां पे, अगर 3 में से मैं एक माइनस कर देती हूँ तो 2 हो जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे राइट डाउन कर दूं a plus 3 minus 1d, कोई प्रॉब्लम है तक नहीं अभी। सेम एज फोर्थ टर्म जो हम निकालेंगे, तो फोर्थ टर्म हम कैसे निकालेंगे a4 सेम एज a3 plus d, सेम एज करेंगे हम a3 plus d, a3 क्या था a2 plus d, a2 plus d क्या था a plus d, सेम एज हमारे पास ये वाला टर्म आ जाएगी a plus 3d। अब a plus 3d को हम कैसे लिख सकते हैं, a plus 4 minus 1d लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम nth टर्म जब हम जाते हैं एंड सो जब लास्ट टेबल जाएगी तो जो फोर टर्म है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा an टर्म आ जाएगा हमारे पास, an टर्म प्लस a प्लस जो ये टर्म है इनको हम क्या नाम दे देंगे n, क्या दे देंगे nth टर्म, क्या दे देंगे nth, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम n लिख देंगे यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा a plus n minus 1d, तो मतलब a n कि n टर्म ऑफ n ap का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने के फॉर्मूला क्या हो जाएगा a n is equals to a plus n minus 1d। क्लियर आता है, तो हमने अभी तक क्या चीज पढ़ी, एक तो पढ़ा हमने क्या कि फर्स्ट टर्म रहेगी आपके पास a, कॉमन डिफरेंस d, d का फॉर्मूला क्या होता है a2 minus a1, मतलब सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, देन हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं a a plus d a plus 2d। क्लियर यहां तक, देन nth टर्म ऑफ एन ap कैसे निकालेंगे, an क्या हो गया हमारे पास a plus n minus 1d, जो ये फॉर्मूला है इन फॉर्मूला को आप माइंड में ध्यान रखकर तब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ताकि आपके इजीली आपको स्टेटमेंट समझ में आ जाए और आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सको। ठीक है, तो ये तो हो गया nth टर्म ऑफ एन एपी। उसके बाद क्या आता है सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, इसमें फॉर्मूला क्या होता है सम को हम किससे डिनोट करेंगे s, क्वेश्चन के अंदर जो सम लिखा होगा क्योंकि इनकी स्टेटमेंट सेम सेम लगती है तो आप फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे आपको पता कैसे चलेगा कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, जब क्वेश्चन के अंदर ये सम वर्ड लिखा हो sum सम वर्ड लिखा हो तो ये समझ लेना उसमें s इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा n by 2 2a plus n minus 1d, whereas s तो क्या हो गया सम ऑफ nth टर्म, n क्या हो गया nth टर्म आपके पास जो गिवन रहेगी यह आपने फाइंड आउट करनी है, a क्या हो गया हमारे पास फर्स्ट टर्म, a क्या हो गया फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस
जो लिस्ट गिवन रहेगी उन लिस्ट का जो आप डिफरेंस निकालोगे कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। किससे डिनोट करेंगे हम? डी से डिनोट करेंगे। क्लियर है तक? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है इसका? एस इज इक्वल्स टू में एन बाई टू ए प्लस एल, वेयर एल, एल क्या होगा आपके पास? लास्ट टर्म। क्या रहेगी एल आपके पास? लास्ट टर्म रहेगी। लास्ट टर्म को फॉर्मूला निकालने का ए प्लस एल, एल की जगह आपको ए एन भी देखने को मिल सकता है। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन स्टेटमेंट के ऊपर कि स्टेटमेंट किस तरह की आपके पास गिवन है। क्लियर है तक? अब करते हैं क्वेश्चन। हमने तीन फॉर्मूले डिस्कस किए, एक तो किया हमने ए एन, ए एन का फॉर्मूला क्या पढ़ा? ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, हम तीन फॉर्मूले की बात कर चुके हैं। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, सेकेंड इज एस एन, एस एन क्या था हमारे पास? एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। क्लियर? एंड थर्ड इज क्या था हमारे पास? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, एल वेयर एल इज द लास्ट टर्म, कि लास्ट टर्म आपके पास क्या गिवन है। ठीक है, हमें तीन फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं। इन ये तीन फॉर्मूला अगर आपको लर्न है तो आप इस चैप्टर में से हर एक क्वेश्चन को सोल्व इजिली कर लोगे, आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। क्वेश्चन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास या ट्रिक क्या रहेगी, जब क्वेश्चन में आपके पास nth टर्म गिवन है, मतलब ये गिवन हो कि 11वां पद निकालो, 10वां पद निकालो, तो इसका मतलब आप क्या निकालोगे? an, मतलब कि n की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी आपने। जब क्वेश्चन में सम गिवन है sum, कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालो या सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म निकालो, तब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे sn = n / 2 2a plus n minus 1d, where d is the common difference, a is the first term, and आपके पास जो भी term given रहेगी, जैसे कि question given हो रहे हैं आपके पास 10th term, सम ऐसी कोई term given है, इसका मतलब ये क्या given है? n की value given है। क्या given है? n की value given है। Mostly बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा problem आती है कि हम n की value क्या रखें, ए एन है या ये एन है, क्या है ये? तो एन जो रहेगा वो अगर टी एच लिखा हो उसके अगर कोई भी नंबर हो तो आंख मीच के देख रहे वो किसकी वैल्यू रहेगी? आपकी एन की वैल्यू रहेगी। क्लियर है तक? अगर आपके पास कोई भी टर्म है उसका लास्ट टर्म गिवन, जैसे 258 गिवन हो गया, एक लिस्ट गिवन है और उसका लास्ट टर्म ये गिवन दे दिया आपके पास, तो ये समझ लो क्या है, किसकी वैल्यू है? ए एन की। किसकी वैल्यू है? ए एन या एल। ठीक है, ए एन या एल, लास्ट टर्म आपके पास ये गिवन रहेगी। ठीक है, अगर 10th टर्म निकालनी है, 11th है, 15th है, ऐसे कुछ टर्म है, तो ये समझ लो वो क्या गिवन है? n की वैल्यू गिवन है, आपने an उसका निकालना है। क्लियर है तक? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन डिस्कस। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं कि हमारे क्या क्या फॉर्मूला अप्लाई होंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। अब करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्या है कि a की वैल्यू क्या आपके पास? 10, और d की वैल्यू क्या आपके पास? 10। d की वैल्यू क्या है? 10। और क्वेश्चन में बोल रहे कि आपको फाइंड करने हैं फर्स्ट फोर टर्म, फाइंड फर्स्ट फोर टर्म, कि फोर पहले जो चार टर्म है उनको फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर। तो आप कैसे करोगे फाइंड? तो पहले क्वेश्चन को इजीली पढ़ो कि क्या क्या हमारे पास गिवन है, कि a इज इक्वल्स टू 10 है, d इज इक्वल्स टू 10 है, निकालिए क्या फर्स्ट टर्म। अब हमने पढ़ा था फॉर्मूला कि हमारे पास जनरल फॉर्म हम कैसे लिखते हैं कि a2 इज इक्वल्स टू क्या होता है? a plus d, a3 क्या होता है हमारे पास? a plus 2d, a4 क्या हो जाएगा? a plus 3d, a5 क्या हो जाएगा हमारे पास? a plus 4d। कि a जो है वो फर्स्ट टर्म हमारी क्या रहेगी? वो एडिटिव रहेगी, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं रहेगा, जो चेंजेस रहेगा बस वो यहाँ पे रहेगा, डिजिट का रहेगा कि जो आप मल्टीपल करोगे उस नंबर से। सेकंड टर्म निकालते हैं तो a की वैल्यू क्या है? 10। d की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 10 हो जाएगी। ओके, d की वैल्यू क्या होगी? 10 प्लस 10 इज इक्वल टू क्या होगी हमारे पास? 20। तो सेकंड टर्म क्या होगी हमारे पास? 20। क्या होगी सेकंड टर्म? 20। थर्ड टर्म देखो, फर्स्ट टर्म क्या होगी? a प्लस 2d, d की वैल्यू क्या है? 10, 10 टू जब 20, तो सेकंड टर्म भी क्या होगी? 30। a की वैल्यू क्या है? 10
प्लस थ्री टेन, टेन थ्री से थर्टी, थर्टी और टेन क्या हुए फोर्टी, टेन प्लस फोर टेन, टेन फोर जो फोर्टी एंड टेन कितना हो जाएगा हमारे पास फिफ्टी, तो तब क्या हो गया आपके पास टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी एंड फिफ्टी एंड सो ऑन। ये तो गए जनरल क्वेश्चन, पेपर मारने लायक नहीं है, लेकिन एक समझाने तरीका है कि आप क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि a की वैल्यू क्या होगी 10, b की वैल्यू है 10, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, आपने निकालना है क्या, फाइंड फर्स्ट फोर टर्म, फोर टर्म को फाइंड करना है। तो हमने जनरल फॉर्म पढ़ी थी, क्या थी कि a a a plus d a plus 2d and a plus 3d and so on, ये क्या थी ap की जनरल फॉर्म कि आप फर्स्ट फोर टर्म या फिफ्थ टर्म कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम जनरल फॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और अपने टर्म क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। देख लो क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन हमने कैसे फाइंड आउट किया है। ये फिर हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। हो गया गिवन है कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी 11852, ये आपके पास कोई एक एपी की लिस्ट गिवन है। तो क्वेश्चन कैसे करोगे कि पहले आपके पास ये देखो कि एपी की लिस्ट क्या गिवन है 11852 एंड सो ऑन, वेयर फर्स्ट टर्म a1 है, a2 इज इक्वल टू क्या है 8 है, a3 इज इक्वल टू क्या है 5 है। कॉमन डिफरेंस मतलब डी निकालने फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1, 8 माइनस 11 इज इक्वल टू क्या हो गया -3, ठीक है। लास्ट टर्म an की वैल्यू क्या गिवन है -150 गिवन है। फॉर्मूला आपके पास क्या होता है nth टर्म ऑफ एन ap का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। an की वैल्यू क्या है -150 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 11 प्लस n की वैल्यू हमारे पास कुछ गिवन है नहीं गिवन है, d की वैल्यू क्या गिवन -3, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, -150 इज इक्वल्स टू 11, ये माइनस है यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस 3n, माइनस माइनस प्लस, बाहर में साइन प्लस का प्लस है क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, -150 इज इक्वल्स टू 11 और 3 14 माइनस 3n, 14 प्लस से साइन क्या हो जाएगा माइनस, तो -150 माइनस 14 इज इक्वल टू -3n, माइनस माइनस प्लस साइन किस का आएगा माइनस, 164 इज इक्वल टू -3n, माइनस से माइनस कैंसिल, ये मल्टीप्लाई इससे का क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या हो जाएगा n की वैल्यू क्या हो जाएगी 164/3, ठीक है। ये आ गई इसकी हमारी n की वैल्यू, यही चीज हमने निकालनी थी कि n की वैल्यू क्या होगी, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 164/3 क्या हो गया 3। क्लियर यहां तक? क्वेश्चन क्या था कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एन एपी, एपी की कोई भी लिस्ट आपके पास गिवन है, हमने यहां पर रख लिया कि फर्स्ट टर्म 11 है, सेकंड टर्म 8, थर्ड टर्म इज 5th, d की वैल्यू मतलब कॉमन डिफरेंस निकाल ले, d इज इक्वल टू क्या होता है a2 -a1, 8 आउट ऑफ -11 क्या हो गया -3, an क्या होगा an इज इक्वल टू a प्लस n -1d, ठीक है। an की वैल्यू क्या गिवन है, लास्ट मैंने बोला था आपको जब हम इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे कि n की वैल्यू कब पता चलेगी, जब पीछे th या कुछ भी टर्म्स गिवन होगी, जैसे कि हिंदी में बताएं तो 11वां पद ऐसा गिवन हो या 11th टर्म, अगर ऐसा कुछ गिवन तो ये समझ लो n की वैल्यू गिवन आपके पास, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में an की वैल्यू गिवन थी, हमें n की वैल्यू निकालनी थी, सॉल्व किया, सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास n की वैल्यू आ गई 164/3। क्लियर है तक? तब करते हैं हम क्या सेकंड क्वेश्चन, कि सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये इंपॉर्टेंट सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज क्या गिवन है 4 एंड -8, व्हिच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, कि एपी की थर्ड और नाइन्थ टर्म की वैल्यू गिवन है और ये बताने कि कौन सी टर्म जो एपी क्या रहेगा उसमें 0 रहेगा। तो क्या गिवन हमारे पास, एक तो गिवन है ए थर्ड की वैल्यू क्या गिवन है 4, ए नाइन्थ की वैल्यू क्या गिवन है -8। जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं ए थ्री को, ए प्लस 2d, फॉर्मूला क्या होता है a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d,
एन की वैल्यू क्या है 3 क्या हो जाएगा 3-1 मतलब 2d सेम है ठीक है। मैंने इसको बस ओनली डायरेक्ट लिख दिया है कि a प्लस 2d सेम एज ये हो जाएगा a प्लस 8d ठीक है। a प्लस 2d क्या गिवन हमारे पास 4, a प्लस 8d क्या गिवन -8। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दैट इज इक्वेशन सेकंड। अब सोल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को। कैसे सोल्व करेंगे? जब मैं इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देती हूँ तो हमारे पास एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और एक वैल्यू क्या हो जाएगी फाइंड आउट हो जाएगी। a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 एंड a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो गया कैंसिल आउट 8 आउट ऑफ 2 -6d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14। चेक कर सकते हो आप d की वैल्यू क्या हो जाएगी। यहां से हमारे पास d की वैल्यू आ गई -2। कैसे आई? मल्टीप्लाई इस साइड क्या हो जाएगा डिवाइड 12 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 × 2 = 12 मतलब d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। क्लियर है यहां तक? तो अब निकालने क्या हम a की वैल्यू d की वैल्यू जो हमारे पास -2 है वो इक्वेशन फर्स्ट में रखो इक्वेशन सेकंड में एज योर चॉइस कि आप कौन सी इक्वेशन पुट करना चाहते हो। तो मैंने d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। d की वैल्यू जब हम फर्स्ट में पुट करते हैं तो a की वैल्यू कैसे निकलती है 2 × 2 = 4 तो a इज इक्वल्स टू माइनस है क्या हो गया 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 4 माइनस इस साइड है क्या हो जाएगा प्लस तो क्या हो जाएगा हमारे पास a की वैल्यू क्या हो गई 8 4 एंड 4 क्या हो गया 8। अब a की वैल्यू आ गई d की वैल्यू भी आ गई भैया हमारे पास। निकालना क्या है कि ap क्या है हमारे पास 0 है तो हमें कौन से टर्म है जिस पे ap क्या होगा 0 तो हमें क्या निकालना पड़ेगा an n की वैल्यू। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 क्या होता है d। an क्या हमारे पास 0। क्वेश्चन में बोला क्वेश्चन स्टेटमेंट समझो विच टर्म कि कौन सी टर्म होगी जब ap अगर हमारी 0 है तो मतलब n की वैल्यू कब 0 रहेगा कब क्या होगी जब ap हमारे क्या रहेगा 0 रहेगा। a की वैल्यू क्या निकला हमने 8 n माइनस 1 d की वैल्यू क्या -2। सॉल्व करेंगे इसको 0 इज इक्वल्स टू 8 माइनस है तो माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस 2 8 और 2 कितना हो गया 10 माइनस क्या हो गया 2n इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। ये -2n इस साइड क्या हो जाएगा प्लस तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 2n इज इक्वल्स टू 10 मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो जब आप यहाँ पे n की वैल्यू 5 रखोगे तो ap क्या हो जाएगा आपके पास 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है तक? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक तो थर्ड टर्म नाइन्थ टर्म गिवन उनकी वैल्यू गिवन है ठीक है। हमें क्या है जनरल फॉर्म का फॉर्मूला हमें पता है a3 और a9 मतलब a प्लस 2d a प्लस 8d। सोल्व किया इक्वेशन को d की वैल्यू निकाली d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो एज योर चॉइस कि आप कौन से में रखना चाहते हो। मैंने फर्स्ट इक्वेशन जैसे पुट किया तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या 8। क्लियर है तक? अब निकालना कि यहाँ तक क्वेश्चन हो चुका है उसके बाद होना कि कौन सी टर्म होगी जो ए पे हमारे क्या रहेगा अगर जीरो है तो जीरो अगर ए एन की वैल्यू अगर जीरो है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 कि जब हम एन की वैल्यू फिफ्थ टर्म जब रखते हैं तो ए एन क्या रहेगा हमारा 0 रहेगा। क्लियर यहाँ तक? आई होप आपको दोनों क्वेश्चन जो अभी समझाए वो सारे क्लियर हो गए होंगे कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो हम थर्ड क्वेश्चन अब क्या करते हैं इसका डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है थर्ड क्वेश्चन क्या है कि विच टर्म ऑफ एन एपी इज 3, 15, 27 and 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। कि एक एपी की लिस्ट आपके पास गिवन है क्वेश्चन में ठीक है उसमें 54th टर्म गिवन है जो मोर देन इज 132 तो क्वेश्चन कैसे होगा आपका कि an सेम एज an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। फॉर्मूला हम ध्यान रख के चलेंगे कि फॉर्मूला हमारा क्या है लिस्ट में देखो लिस्ट क्या गिवन आपके पास ap की लिस्ट क्या गिवन है 3
15, 27 and 39 एंड सो ऑन. ठीक है, मीन्स ए की वैल्यू क्या है 3, डी मतलब कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम क्या कर देंगे माइनस, ए टू माइनस ए वन, 15 - 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 12, तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 12, ए की वैल्यू क्या आ गई 3. ए एंड मैंने बोला था आपको लास्ट क्वेश्चन भी, अगर टी एच अगर ऐसा कुछ गिवन है तो समझ लो एन की वैल्यू क्या गिवन है 54. आपने ए 54th टर्म फाइंड आउट करना पहले, ठीक है, फिर जो टर्म निकल के आएगी उसको देखना 132 वो कैसे वो मोर देन है. ए 54 निकालने फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी. वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू क्या हमारे पास 3, एन की वैल्यू 54 - 1 एंड डी इज 12. क्लियर है, तक इसको सोल्व करते हैं तो बच्चे हमारे पास क्या आता है 3 + 53 × 12. ब्रैकेट के बाहर अगर कोई साइन नहीं है तो हम क्या समझते हैं इसको मल्टीप्लाई है. इसको जब आप सोल्व करोगे तो क्या होगा 12 × 3 = 36, 3 कैरी गया ओके, 12 × 5 = 60, 60 एंड 3 ऐड किया 63, तो आंसर क्या आ गया 639. भाई 636 और 3 ऐड करते हैं 3639 आ गया हमारे पास. ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर भी 132 है वो मोर देन है किससे, ए 54 से. ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे 132 ए 54 क्या होगा 639 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया था हमारे पास 771, 9 × 2 = 11, 3 × 3 = 6, 1 = 7, 6 × 1 क्या होगा 7. क्लियर है तक, अब हमारे पास क्या होगा 77. क्वेश्चन में क्या निकाला विच टर्म मतलब कि कौन सा पद कौन सी टर्म, एन की वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू कैसे निकालोगे सेम एस फॉर्मूला एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी. एन की वैल्यू निकालनी है आपने, ए एन की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 771, ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस एन की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है डी इज 12. सॉल्व जैसे करोगे आप इसको 3 है प्लस इस साइड लियो माइनस तो 771 आउट ऑफ 3 इज इक्वल टू 12 एंड माइनस 12. या पहले 12 को इससे सॉल्व करो, बात एक ही पड़े कुछ भी कर लो. इसमें से माइनस करेंगे 11 में से 3 गया 4, 7 3 में से क्या गया 8, 7 कर दे इसमें से माइनस, सॉरी इसके लिए 11 में से 3 को माइनस किया 8 आ गया 7 6 8, माइनस इस साइड क्या हो जाएगा प्लस, प्लस करने के बाद क्या हो जाएगा ये 8 × 2 = 10 ओके, 6 × 1 = 7, 7 × 1 कितना हो गया 8 और ये हो गए. ठीक है, ये हो गए यहाँ पे भी 780/12. ठीक है, तो ये सब कट करेंगे तो 12 × 6 = 72 और 12 × 5 = 60 मतलब आंसर क्या आ गया 65 टर्म. nth टर्म क्या आ गया हमारे पास आंसर 65th टर्म. ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए इसके हमारे एक्सरसाइज 5.2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे. अगर आज हमने 5.2 एक्सरसाइज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को डिस्कस किया है, 3 क्वेश्चन डिस्कस किया है जो जो इंपॉर्टेंट थे. आई होप आपको समझ में आ गए होंगे. फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में बताने, किसी को अगर कोई डाउट है तो अपने एनसीईआरटी बुक के जितने भी क्वेश्चन उनको सोल्व करके देखना पहले, फिर उसके बाद डाउट क्लियर करना अपने. अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले. थैंक यू वेरी मच.